अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इसके अंदर बारिश और बारिश का वो सीन जो है मैं गाड़ी के शीशे के अंदर दिखा रहा हूँ, वो काफ़ी लोगों ने पूछा। मैंने तो ऐसे ही बना दिया था, वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा था, लेकिन काफ़ी लोगों ने पूछा कैसे किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो वो सिचुएशन बड़ी अच्छी थी और वो आइडिया बड़ा अच्छा था। आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो मैंने कैसे बनाया था। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट मास्किंग है, लेकिन वो कैसे है वो बताऊँगा। तो चलते हैं प्रीमियर पे। अच्छा जी, तो ये वो पिक्चर है कि जो कि मैंने ली थी ड्राइव करते हुए, और इसके अंदर मैंने वो बारिश वाली वीडियो जो है वो इसके मिरर के अंदर गाड़ी के शीशे के अंदर फिट की थी। ये हुआ कैसे है, ये पिक्चर है, ठीक है, और ये वो वीडियो है। करना क्या है, अब मैं इस वीडियो को इस पिक्चर के बिल्कुल ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। ये करने के बाद वीडियो पर मैं करूँगा क्लिक, और वीडियो की जो ओपेसिटी है वो मैं करूँगा कम, इतना कि मुझे पिक्चर पीछे से नज़र आना शुरू हो जाए। फिर मैं जो वीडियो का स्केल है वो भी मैं करूँगा कम, और इसको मूव करूँगा बिल्कुल शीशे के ऊपर, इतना कि जितना मुझे ये एरिया चाहिए, तकरीबन कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और जो गाड़ी का डैशबोर्ड है वो नज़र ना आए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने शुरू हो जाती हैं, फिर वो अनरियल सा होता है फिर वो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं इसे करूँगा 150 पे, कुछ इस तरह से, ताकि जगह मुझे नज़र आए। ओके, अब मुझे इसे करना है मास्क। मास्क के लिए मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो है वो पूरी मैं इसको गायब कर दूँ यहाँ से, ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, ताकि जो पीछे मिरर है वो मुझे नज़र आए सही तरह से। लेकिन क्लिक मैंने वीडियो पे ही किए रखना है, ठीक है। पेन टूल लें आप, यहाँ से करें इसकी मास्किंग स्टार्ट, और मास्किंग करने का बड़ा लंबा काम है, मैं इससे करूँगा फास्ट फॉरवर्ड। चलें जी, मास्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो कि मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो वापस मैं करूँगा 100 पे, कुछ इस तरह से, और मैं बाय करूँगा क्लिक, ताकि मुझे इसका व्यू नज़र आए। ये करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो एजेस हैं वो ज़्यादा थोड़े फिट हो जाएं। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आऊँगा। अब मैं करूँगा बाहर क्लिक, बिल्कुल ठीक है, मेरे पीछे से नज़र आ रहा है। इसके बाद जो मास्क फैदर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोशिश करें कि जो डिफ़ॉल्ट है वो 10 होता है, लेकिन इसके लिए अगर 5 हो तो अच्छा है, ताकि एजेस जो हैं वो थोड़े से नज़र आते रहें। अब मैं करूँगा इसको फिट, और अब मैं करता हूँ इसको रन। तो ये था वो इफ़ेक्ट, जो कि बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। जस्ट थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी इमेजिनेशन आप इस्तेमाल करें तो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं।